असम के बरदुआ में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आपको ये जो जनता यहाँ पर नजर आ रही है उसके बीचों बीच आपको राहुल गांधी इस वक्त बैठे नजर आ रहे होंगे। दरअसल श्री श्री शंकर देव सात्रा यहाँ पर वो विजिट करने के लिए पहुंचे थे, जाना था पूजा पाठ के लिए, लेकिन उससे पहले ही असम की हेमंता शर्मा की जो सरकार है वो इतनी डरी हुई है, इतने खौफ में है कि वो उन्हें मंदिर तक नहीं जाने दे रही। पिछले कुछ दिनों से जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में असम में आई है तब से लगातार वो बौखलाहट में है, घबराए हुए हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर करें क्या। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनकी सत्ता ही ना चली जाए और ऐसे में वो सारी जो जद्दोजहद है, कोशिश है, वो कर रहे हैं इस यात्रा को रोकने की, राहुल गांधी को रोकने की। लेकिन आप ये जनता का जोश, हुजूम और जज्बा देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ इस वक्त की असम की जो जनता है बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें मंदिर में जाने दिया जाए, श्री श्री शंकर देव सात्रा जो है वहां पर उनको जाने दिया जाए, जो कार्यक्रम, जो रूट, जो तय किया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उसका पालन करने दिया जाए। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा इतने खौफ में हैं कि वो ऐसा नहीं करने दे रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में भगवान पर, कुछ चीजों पर क्या किसी विशेष पार्टी का, विशेष विचारधारा का कब्जा हो गया है क्या? क्योंकि लगातार ये यात्रा ऐसी है, ये पीसफुल यात्रा है, शांति प्रिय यात्रा है, हम किसी भी तरह से कोई हिंसा नहीं कर रहे, इसके बावजूद आखिर हेमंत शर्मा की जो सरकार है इतना खौफ में क्या है, क्यों डरी हुई है? मैं कहूंगी इस तरफ की तस्वीरें भी आप देखें, क्योंकि देखिए जो जनता है असम की, बरदुआ की, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में राहुल गांधी को देखने सुनने के लिए मौजूद है और जो कार्यक्रम, तय कार्यक्रम था वो नहीं करने दिया गया। तो कई सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हेमंत बिस्व शर्मा आखिर इतना डरे हुए क्यों है? राहुल गांधी कल भी मन से कह चुके हैं कि हेमंता डरो मत, न्याय का हक मिलने तक।